नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। साथ ही हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यामिनी इन्वेस्टमेंट का शेयर कितना ऊपर तक जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यामिनी इन्वेस्टमेंट एक डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। कंपनी के शेयर की बात करें तो कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसका शेयर अभी के समय में तकरीबन 1 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। बता दें कि एक समय इसका शेयर 70 रुपये के ऊपर कारोबार करता था। दोस्तों, यामिनी इन्वेस्टमेंट का शेयर लोअर सर्किट और अपर सर्किट में कारोबार करने वाला शेयर है। खैर, सवाल आता है कि आखिरकार ये शेयर कितना ऊपर तक जाएगा। तो शेयर चार्ट में देखें तो स्टॉक ने 1.29 रुपये का अपना मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न 1 मंथ के टाइम फ्रेम में है और अभी इस मंथ को कम्प्लीट होने में कुछ हफ्ते बाकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, यानी कि इस महीने के खत्म होते तक, इस कैंडल को इस लाइन के ऊपर ही टिकना पड़ेगा। और अगर ये स्टॉक 1.29 रुपये के ऊपर टिक पाता है तो शेयर होल्डर के लिए, यानी कि कंपनी के निवेशकों के लिए, काफ़ी अच्छी बात होगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आने वाले समय में यामिनी इन्वेस्टमेंट का शेयर कितना ऊपर तक जाएगा। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये शेयर तकरीबन 2 रुपये तक जा सकता है, यानी कि हमारा अगला टारगेट होगा 2 रुपये का। दोस्तों, आपको बता दें कि यामिनी इन्वेस्टमेंट को हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया है। खैर, स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।